ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर क्या है? दरअसल खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं चुनाव, लेकिन इससे पहले खबर यह आई है कि यहां पर आतंकी लगातार कोई ना कोई वारदात करने की फिराक में नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए अहम है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये 3 चरणों में होने जा रहे हैं और 6 दिन बाद, आज से 6 दिन के बाद पहले चरण की वोटिंग है। आपको बता दें कि कुल यहां 90 सीटें हैं, हालांकि पहले जम्मू कश्मीर में 87 सीटें हुआ करती थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया साल 2019 में और जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, उसके बाद 4 सीटें लद्दाख की अलग हो गई और जम्मू कश्मीर में पहले 87 सीटें होती थी, 4 सीटें अलग होने के बाद ये सीटें हो गई 83। लेकिन इसके बाद फिर से परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद 7 सीटें और बढ़ा दी गई और कुल मिलाकर अब जम्मू में 43 सीटें और कश्मीर में 47 सीटें हैं और कुल मिलाकर यहां 90 सीटों पर विधानसभा के लिए चुनाव होने वाला है और इसी के लिए पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक तरफ पार्टियां अपने प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ आतंकी गतिविधियां भी अपने चरम पर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इसीलिए आतंकियों के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया जा रहा है। आपको बता देते हैं कुछ तथ्य जो हैं वो आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या बातें अभी तक निकलकर सामने आई हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी जो सीज फायर है उसका उल्लंघन किया गया, पाक रेंजर्स की तरफ से उल्लंघन किया गया, घुसपैठ की कोशिश की गई है। इसके अलावा हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैन्य बल हैं उनकी तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें बड़ी चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं और चौंकाने वाली चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। यहां पर एक पेड़ जो है उसको खोदा गया, उसकी जड़ को खोदा गया और 5-6 फीट के आसपास का एक गहरा गड्ढा बना लिया गया था और यहां पर आतंकी छिपे हुए थे। यहां से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है, AK-47 बरामद हुई है। सबसे बड़ी बात कि ये सुरक्षा बलों को ये जानकारी जो मिली थी, ये चुनावी पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी, खुफिया जानकारी, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने एक कार्रवाई करते हुए एक बड़े नेटवर्क को, आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का काम किया है। ये कुपवाड़ा का मामला सामने आया है जहां पर ये सुरक्षा बलों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक एक करके आपको हम पॉइंट्स बता देते हैं और क्या क्या मिला है ये भी हम आपको बता देते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स जो हैं वो सीज फायर तोड़ने का लगातार काम कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसके पहले कुपवाड़ा, कुलगाम और पुलवामा में 12 सितंबर को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकी ठिकानों को खोज निकाला और यहां पर आतंकी ठिकानों को जब खोज निकाला तो यहां से कितना क्या कुछ मिला है यह भी हम आपको बताते हैं। यहां पर कुलगाम पुलवामा में ठिकाने का जो पता चला है, केरन सेक्टर में, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों ने एक बड़े पेड़ की जड़ में, बहुत विशाल का पेड़ था, इसकी तस्वीरें भी आई हैं, वो आप देख ही रहे हैं कि कितना विशाल का पेड़ है, उसकी जड़ में आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा था, गड्ढा खोदा, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं 5-6 फीट का गड्ढा खोदा और वहां पर ये लोग रह रहे थे। AK-47 यहां से मिली है, इसके अलावा 100 से ज्यादा कारतूस AK-47 के मिले हैं, 20 हैंड ग्रेनेड मिले, यानी कि कितना बड़ा, कितना पूरे इलाके को थर्रा देने की, दहलाने की साजिश यहां पर रची गई थी, इसका इससे खुलासा हुआ है। और छोटे रॉकेट्स भी मिले, 10 छोटे रॉकेट्स मिले हैं, 20 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। ये पूरी जानकारी इलेक्शन ऑब्जर्वर की तरफ से जानकारी मिली थी। बता दें कि 90 सीटों पर 3 फेज में चरण, 3 फेज में चुनाव होने हैं, जिसमें पहली जो वोटिंग है वो 18 सितंबर को होगी, दूसरी 2 सितंबर को होगी और 1 अक्टूबर को फिर वोट डाले जाएंगे तीसरी वोटिंग के लिए और इसके बाद 8 अक्टूबर को यहाँ के नतीजे आ जाएंगे। दरअसल वोटिंग के लिए बहुत कम दिन बचे हैं और ऐसे में आतंकवादी लगातार इस बात की कोशिश करने में लगे हैं कि कैसे भी हो यहां पर अशांति फैलाने की कोशिश कर ली जाए, इसलिए घुसपैठ भी बड़ी है, इसीलिए यहां पर आतंकी जो हैं वो साजो सामान या हथियार जो हैं वो जुटाकर कहीं ना कहीं अशांति फैलाने में लगे हुए हैं। पाक रेंजर्स की तरफ से भी गोलीबारी हुई है, इधर सेना हमारी जो है वो लगातार, हमारे जो जवान हैं सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार मुस्तैद हैं और बीते 4 दिनों की अगर बात कर ली जाए, बीते जो ऑपरेशन चले हैं इसमें 4 आतंकियों को मार भी गिराया गया है।
ये चुनाव प्रभावित करने के लिए ये सारी घटनाएं जो है वो आतंकियों की तरफ से की जा रही है, ऐसा सेना की तरफ से भी माना जा रहा है। 8 सितंबर की अगर बात की जाए तो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, 2 आतंकियों का हमारे जवानों ने मार गिराया गया। राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पे घुसपैठ की कोशिश हो रही थी और यहीं पर ये जो LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, यहां पर ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इनको ढेर कर दिया गया। देर रात की ये घटना है। इसके अलावा एक तलाशी अभियान सेना ने चलाया, एक और M4 राइफल यहां से बरामद हुई है और ये बड़ी ऑटोमेटिक गन होती है M4 राइफल। तो ये कहां से आई, इसके तार कहां से हैं, इसके ऊपर भी जांच चल रही है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि एक मुठभेड़ हुई थी और जिसमें हमारे कैप्टन जो है वो शहीद हो गए थे, वहां से भी ये M4 गन बरामद हुई थी और ये बताया जाता है कि अमेरिका मेड ये गन है। तो ये इनके पास कैसे पहुंच रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है कि हमारे जो खुफिया एजेंसीज हैं वो इसकी जांच करने में जुटे होंगे कि ये M4 गन आखिर पहुंच कैसे रही है, क्योंकि अमेरिका मेड ये बताई जाती है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया था, इसमें AK-47 2 की संख्या में AK-47, M4 राइफल, पिस्तौल, 8 ग्रेनेड, गोला, बारूद और तमाम सामान बरामद किया गया। उधर उधमपुर की बात करें तो वहां पर भी 2 आतंकियों को ढेर किया गया था। पाक रेंजर्स ने गोलीबारी की थी और यहां पर भी 2 आतंकियों को ढेर करने का काम किया गया था। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर चलाया था जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। इसके अलावा कुछ तथ्य और हैं, आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 2014 की अगर बात की जाए तो 2014 में ये चुनाव हुए थे और तब BJP ने PDP के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और इसके बाद 2018 में गठबंधन टूट गया था। बहुत ज़्यादा समय तक ये चला नहीं। 2018 में गठबंधन टूटने के बाद फिर यहाँ पर राज्यपाल का शासन लगा 6 महीने तक, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फिर साल 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में धारा 370 को हटाने का काम यहाँ से किया गया था और धारा 370 हटाने के साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो भी बना दिए गए, जम्मू कश्मीर अलग बनाया गया। इसके अलावा जो 4 सीटें हैं लद्दाख की, उसे अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और अब यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आतंकी जो हैं वो लगातार इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी यहां पर चुनाव में अशांति फैलाई जाए और चुनाव को सहज रूप से नहीं होने दिया जाए, लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और इन आतंकियों की हर साजिश को वे लगातार नाकाम कर रहे हैं।